साथियों, आपको विस्तार से तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बताएंगे। मैं आपके और इनके बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ, आप सबने जननायक स्वर्गीय चौधरी देवलाल के 106वें जन्म दिवस पर कैथल में पहुंचकर इतनी भारी संख्या में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं, 21 सितंबर को चुनाव है, पार्टी जिसको भी अन्य का निशान देकर भेजे, आप तन बंधन से उसकी मदद करने का काम करें और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे फतेहाबाद के जिला जो लोग गलती से गुमराह हो गए किसी नेताओं में आकर के या किसी स्वार्थ के मुझसे दूर थे, पार्टी को छोड़कर चले गए थे, उनके वापस आने की लाइन नहीं, ये तय हमने करना है किसको शामिल किया जाए और किसको नकारा जाए। हमारी पार्टी ने अब एक निर्णय लिया, हम दगाबाजों को, धोखेबाजों को और गद्दारों को दोबारा पार्टी में शामिल नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में पचहत्तर साल की देर भी हो, रोष मेरा ये था हमारी सरकार के वक्त में हमने 3 पटे की कईयों को नौकरी दी, जिनको नौकरी दिलाई थी कि तो प्रमोशन होती बच्चों को ऊंचे पदों पर बैठे, नौकरी दिलवाने वाला सजा को था। आपको सुन के हैरानी होगी जितनी मेरी सजा थी वो मैं काट चुका, मुझे सरकार जेल मैनुअल में जेल के कायदे बने हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए करने करने में दिक्कत आती है, या उसका दम खोलता हो कि ऐसी बीमारी इस प्रकार की बीमार पुरुष को चाहे 20 साल की सजा हो उसे छोड़ दिया जाता है। मुझे ये रात को 12 बजे अस्पताल से अस्पताल की एक तक कायदा बना हुआ है, 65 साल से ऊपर की उम्र तक कोई भी कैदी चाहे उसको 20 साल की सजा हो उसको ध्यान दिया। आपने पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा होगा हंसल सिनेमा के मालिकों को, इनके सिनेमे में सैकड़ों लोग मरे थे, इस बात के लिए जेल से छुट्टी कर दी गई कि उनकी उम्र 65 साल, मैं 80 वर्ष का कैबिनेट छोड़ एक साथ ही कह रहे थे कि तेरे से छुट्टी, आपसे यही मदद करूंगा कि आप संगठन को इतना ज्यादा मजबूत बनाओ, आप सभी ओम प्रकाश अलग मजा उत्तर क्या कहते हैं। हमारी सरकार पढ़ने के बाद हम हर पढ़े लिखे युवक को चाहे कोई किसी की जाति का है, किसी वर्ग का है, किसी धर्म और मजहब को मानने वाला है, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैंकर है,
व्यापारी है या कर्मचारी है, कारखानेदार है या मजदूर है, किसान है या कुंभेर, हर बच्चे को राज बनाना आपका काम है। राज बना लिया थारे सारे कोर्ट में धर तंत्र में राज तो बदलते रहते, लेकिन नीति जो तय हो जाए वो नहीं बदला। अब नीति ऐसी बनाएंगे, आपको इसलिए